ये दुनिया कितना खूबसूरत है, हरे हरे पहाड़, नदी, झरने, पेड़ पौधे, ये सब कितना अच्छा है ना। परंतु ये कुछ नहीं होता अगर एक चीज नहीं होती। इमेजिन कीजिए इस दुनिया को बिना इलेक्ट्रिसिटी की। ये सब कुछ नहीं होता अगर विद्युत चुंबकत्व नाम का कोई चीज नहीं होता, जिसे हम लोग इंग्लिश में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। ये हरियाली, ये नीला आसमान, ये सूरज, ये तारे, कुछ नहीं होता। ये सब संभव है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की वजह से। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करेंगे और जानेंगे कि ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं सिसिर राज और आप देख रहे हैं फंडामेंटल्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म दो शब्दों से मिलकर बना है, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म। पहले इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों को अलग अलग माना जाता था, परंतु जब जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने 1873 में अ ट्रीटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म पब्लिश करवाई, तब से इन दोनों के बीच की दूरी खत्म हो गई। मैक्सवेल के अनुसार दो इलेक्ट्रिक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट या फिर रिपेल करती है, जिसमें फोर्स दोनों के बीच के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जो लोग इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है नहीं जानते, उन्हें मैं बता दूं, इलेक्ट्रिक चार्ज दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। इलेक्ट्रिक चार्ज एक ऐसा प्रॉपर्टी है, एक और फिर से रिपीट कर दूं, इलेक्ट्रिक चार्ज कोई ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि एक प्रॉपर्टी है किसी ऑब्जेक्ट का, जो कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को उत्पन्न करता है या फिर किसी इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड से प्रभावित होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर दो पॉजिटिव चार्ज को या फिर दो नेगेटिव चार्ज को आपस में लाया जाए तो फिर एक दूसरे को रिपेल करेगा, और अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव को आपस में लाया जाए तो फिर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। अगर कोई दो चार्ज है Q1 और Q2 और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस d है, तो उन दोनों के ऊपर एक दूसरे के द्वारा लगाया गया फोर्स होगा k Q1 Q2 / d², जहां k प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है, जिसका वैल्यू होता है 9×10⁻⁹ न्यूटन मीटर पर कूलम स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे हम दूरी को बढ़ाएंगे, दोनों के बीच लगने वाला फोर्स भी घटता चला जाएगा। जेम्स क्लर्क मैक्सवेल का कहना था कि इलेक्ट्रिक चार्ज की तरह मैग्नेट्स भी एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं, परंतु इलेक्ट्रिक चार्ज दो इंडिविजुअल चार्ज है, परंतु मैग्नेट हमेशा पोल्स में होता है, साउथ या नॉर्थ पोल, और दोनों एक साथ ही एग्जिस्ट करता है। कहने का ये मतलब हुआ कि अगर कोई मैग्नेट है और उसका एक सिरा साउथ पोल है तो दूसरा सिरा नॉर्थ पोल ही होगा। अगर हम किसी मैग्नेट को दो भाग में तोड़े तो दोनों में एक एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल होगा। जेम्स क्लर्क मैक्सवेल के अनुसार अगर कोई वायर है जिसके थ्रू करंट पास हो रहा है तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, जो कि राइट हैंड थंब रूल से पता किया जाता है। जेम्स क्लर्क मैक्सवेल के अनुसार एक क्लोज्ड वायर का लूप को किसी मैग्नेट या मैग्नेटिक फील्ड के आगे पीछे करें तो उस वायर में करंट प्रोड्यूस होता है। दरअसल मैग्नेटिक फ्लक्स की संख्या को घटाने या बढ़ाने से, जो कि लूप के थ्रू जा रही है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। आइए जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने जो कहा है उसे आसान भाषा में समझते हैं। दरअसल एक चार्ज जो कि रुका हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, जब वह चार्ज मूव करने लगता है तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है और साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक मूविंग चार्ज इलेक्ट्रिक करंट के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। चूंकि एक क्लोज्ड वायर लूप जिसके थ्रू करंट पास करता है वह एक मैग्नेट की तरह काम करता है, जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। सीधे तौर पे कहें तो इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा बनाया गया मैग्नेट को हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं, और ज्यों ही करंट को ऑफ कर दें तो उसका सारा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है। अभी तक तो हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को समझा, तो चलिए अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को समझते हैं। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक साथ मिलकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस करता है। वेव्स जो कि हवा से बनती है और वेव्स जो कि पानी से बनती है, वह सब मैकेनिकल वेव्स होता है, परंतु मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में एक अंतर होता है। मैकेनिकल वेव्स को फ्लो होने के लिए एक मीडियम चाहिए, जैसे कि कोई मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, कुछ भी, परंतु इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को फ्लो होने के लिए कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं होती।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वैक्यूम में ट्रेवल कर सकता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसे कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी कहते हैं, एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में मूव करता है, जिसे हम क्वांटा कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन 7 प्रकार का होता है, गामा रे, एक्स रे, यूवी रे, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट बढ़ते जाते हैं, उसका वेवलेंथ भी बढ़ता जाता है। तो आइए इन सबको बारी बारी से हम जानते हैं कि इनका यूज क्या है। गामा रेज डॉक्टरों के द्वारा यूज किया जाता है हमारे बॉडी के अंदर की इमेजिंग के लिए। एक्स रेज हमारे हड्डियों में फ्रैक्चर को पता करने के लिए यूज किया जाता है। यूवी रेज की वजह से हमारे शरीर में एन पड़ जाता है जब हम लोग धूप में निकलते हैं। विजिबल लाइट, जो भी कलर हम देख सकते हैं अपने नेकेड आई से, वो सब विजिबल लाइट है। इंफ्रारेड का इस्तेमाल हम लोग नाइट विजन ग्लासेस में यूज करते हैं। माइक्रोवेव की वजह से ही हम लोग ओवन में खाना पका पाते हैं। रेडियो वेव्स, हमारा सारा कम्युनिकेशन मोबाइल टीवी सब रेडियो वेव के वजह से ही काम करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का बात हो और लाइट का ना हो, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और जिसके थ्रू हम देखते हैं। लाइट हमारी जिंदगी में एक अहम रोल निभाता है। अब चूंकि लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, तो ये एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में ट्रेवल करता है, जिसे हम फोटोन के नाम से जानते हैं। फोटोन अपने साथ एनर्जी को कैरी करता है, जिसका कोई भी मास नहीं होता, और ये लाइट की स्पीड से ट्रेवल करता है, जिसका स्पीड है 300,000 मीटर पर सेकेंड। अब लाइट एक ऐसा रहस्यमय चीज है जो कि पार्टिकल के तरह भी व्यवहार करता है और वेव्स के तरह भी। अगर किसी प्रिज्म के थ्रू हम लाइट को पास करें तो एक स्पेक्ट्रम का फॉर्म होता है, जो कि 7 रंगों का होता है, और यह वेव नेचर को शो करता है। और जब लाइट किसी मेटल सरफेस को हिट करता है, तो उस मेटल से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, तो इस चीज से लाइट का पार्टिकल नेचर का पता चलता है, और इस प्रक्रिया को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के नाम से जानते हैं। परंतु लाइट जो भी है, हमारे लिए मानो जिंदगी है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म समझ लीजिए हमारे लिए एक वरदान है, जिसके वजह से ये दुनिया इतनी खूबसूरत है। तो चलिए जो हमने जाना उसे एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म दो चीजों से मिलकर बनता है, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म चारों फंडामेंटल फोर्सेज में से एक है। मूविंग चार्ज इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स 7 प्रकार का होता है, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ट्रेवल करने के लिए कोई भी मीडियम का जरूरत नहीं होता, लाइट दोनों नेचर शो करता है, वेव और पार्टिकल का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। और अगर कोई डाउट है या फिर इस वीडियो से रिलेटेड कोई सजेशन या क्वेरी कुछ भी है, तो फिर आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर जो आप इस चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारा नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।